उससे जो कार है स्कोडा रैपिड है, जैसे देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर है। इसका हम क्लच निकालने जा रहे हैं, क्लच कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है और किस तरह से हम क्लच निकाल सकते हैं बाहर, जैसे देख सकते हैं ये हो गया, ये हमारा क्लच है, देख सकते हैं हमें क्लच किस टाइप से निकालना है वो हम बताने जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं ये हमने लिया है इसको ड्राइवर और इसके अंदर जो लॉक है, लॉक इधर है जैसे देख सकते हैं, ये लॉक हमें कटा के निकालना है। जब भी हम ये लॉक निकालते हैं तभी ये क्लच का कुछ हाफ पीस है जो बाहर आएगा, जैसे देख सकते हैं अभी हम लॉक को कटा रहे हैं और निकाल रहे हैं और देख सकते हैं जैसे लॉक निकल चुका है तो हमें अभी इस पीस को निकालना है, तो हमें दो स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरह से कटा के ऊपर निकाल लेना है, जिसे देख सकते हैं निकल गया और इसमें खाँचा भी है, अलग उल्टा फिट भी नहीं हो सकता, कट दिया हुआ है, एक क्लच का हिस्सा है और इसके अंदर दो क्लच है, जिसे देख सकते हैं पीस हो गया बाहर। अभी हमें एक लॉक और निकालना है, वो भी बताएंगे हम, जैसे देख सकते हैं इसमें दूसरा लॉक दिख रहा है, देख सकते हैं इसको भी हमें कटा के निकालना होगा, देख सकते हैं इस तरह से लॉक है जो बैरिंग के पास में है, इस लॉक को भी कटिंग इस तरह से कटा के निकालना है। जैसे ही हम लॉक निकालते हैं फिर हमें पूरा क्लच प्लेट का पूरा हिस्सा बाहर आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं लॉक निकालने में थोड़ा तकलीफ देता है क्योंकि टूल्स बरोबर नहीं रहेगा तो, नहीं तो आसानी से निकल जाता है, जैसे देख सकते हैं ये रहा लॉक निकल चुका है, जैसे देख सकते हैं अभी हमें इसको बाहर निकालना है, तो इतनी आसानी से बाहर ये नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए कूलर, टूल से देख सकते हैं इस तरह से कूलर है, इस तरह लॉक करके हमें टाइट करना है, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, जिससे देख सकते हैं। और कोई सिस्टम नहीं है इसमें, दो लॉक निकालने के बाद इस तरह से आप निकाल सकते हैं बाहर, देख सकते जैसे जैसे घुमा रहे हो उसी से बाहर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से धीरे धीरे देख रहे बाहर आ रहा है, तो ये हो गया बाहर निकल गया, ये जो है जो इसमें क्लच है हमारा, इसमें ड्यूअल क्लच है, डबल क्लच है और डबल प्रेशर प्लेट भी है, और ये देख सकते हैं डबल बैरिंग है, ठीक इस तरह देख सकते हैं, जैसे ये डबल क्लच, डबल प्रेशर प्लेट, डबल बैरिंग जो कि है, जैसे देख सकते हैं इस तरह, हमें खोलते समय ध्यान देना है हम क्या पीस निकालते हैं वो सब ध्यान देना चाहिए, जैसे देख सकते हैं बैरिंग है, तो इस तरह हम क्लच बाहर निकाल सकते हैं। और जो इसमें प्रॉब्लम है वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्लच खुला क्यों है और क्यों बाहर निकाले हैं वो भी देखेंगे, जैसे देख सकते हैं इसकी जो फिंगर है, एक दो 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 तीन फिंगर जो ऐसी है कि ये नीचे बैठ चुके हैं ऊपर वाले क्लच का, देख सकते हैं कैमरे में तो बराबर नहीं दिखाई देगा पर है फिंगर इसका जो बैठ गया है, जैसे देख सकते हैं और क्लच भी गया हुआ है, जैसे देख सकते हैं दो दो क्लच दिख रहा है, ये दोनों क्लच है और दो प्रेशर प्लेट है, ये असेंबली रहता है, रिपीट रहता है, इसमें अलग अलग पीस नहीं है, ये वन पीस है, जैसे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम क्लच चेंज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं।
देख सकते हैं बाहर निकल गया पूरा।